सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन आप लोगों को जो दिखाने का जी प्रयास है जी रहता है, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा जी काफ़ी जाना माना जो चेहरा है जी, और बताना चाहूँगा जी यहाँ से जब जब हमने कवरेज की है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन देखने को मिलता है जी, तो आज काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है जी। काफ़ी अच्छी दूध लाइन की बाखड़ी भैंस है जी आपको देखने को मिलेगी, जो हमारे पशुपालक भाई डिमांड करते हैं जी, काफ़ी अच्छी दूध की चेक पास बाखड़ी भैंस की, और जी मौके पे जो कि दूध भी है वो दे रही है जी। और बताना चाहूँगा जी क्वालिटी की बात करें जी, अर्डर की अगर हम बात करें बाखड़ी होने के बावजूद जो अर्डर है जी, शायद मेरे हिसाब से ताजी में भी ना देखने को मिले जी काफ़ी भैंसों में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है जी। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी जिया डेयरी फार्म से, और जैसे कि हम सब जानते हैं जी जिया डेयरी फार्म के जो ओनर है, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर मोनू, और बताना चाहूँगा जी आज की वीडियो में आप लोगों को दो पशुधन है जी दिखाएंगे जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो सबसे पहले मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर मोनू से, और जो पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते साहिल, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं डेयरी फार्म में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी भाइयों को नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज काफी जबरदस्त दूध लाइन की भाई सब जोटी लेके आए हो। साहिल लेके आए, कुछ भाई व्यापारी बोल रहे थे सारी भैंस 20-20 किलो नहीं होती। अच्छा, हम ये कहते हैं हम 23-24 किलो दूध की भैंस भी देंगे। अच्छा जी। हाँ जी ठीक है। तो क्या कुछ डिटेल्स है, कौन से लैक्टेशन में भाई साहब? साहिल सबसे पहले ये बताएंगे भैंस ली अपने गाँव में से। ठीक है जी। ठीक है, सुबह ही भैंस ली है। ठीक है जी। घर की कटिया है उनकी। ठीक है। और सातवें में ज्ञापन लगी, सातवें में ज्ञापन लगी हुई है। पांच तारीख से सातवें में ज्ञापन लगी हुई है जी। हाँ जी। और अभी मौके पे दूध वगैरह भाई दूध दे रही है, आठ किलो जो दूध है अभी मौके पे। हाँ जी, आप पालेंगे थन पोसाऊगा आंटी भाई, बात होती साहिल अभी सुबह आई है। अच्छा, टेम भी दिखा दो, तारीख भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, ये सेट होने में टेम लेगी आराम से दे दे, इस बात का पता नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी ठीक है। तो देखिए जी, बताना चाहूंगा जी पीठ बाडी का पशुधन काफी जबरदस्त है वो हमें देखने को मिला है, तो डॉक्टर मोनू एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए। व्यक्तित्व है जी पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे जी, बाकी आप देख भी पा रहे हैं बिल्कुल ठंडा स्वभाव का जो पशुधन है वो हमें देखने को मिला जी, और किसी भी प्रकार का अर्डर में अनबैलेंस है जी वो हमें नहीं देखने को मिला जी, काफ़ी साफ सुथरा जो अर्डर है वो हमें देखने को मिला जी। और जैसे जैसे ऊपर आते हैं जी पीठ बाडी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बारीक चामे का पशुधन है वो हमें देखने को मिला। तो भाई साहब साथ में बच्चा क्या है? बच्चा कुछ नहीं है। अच्छा, सारी बात बताएंगे साहिल, दो मिनट वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, एक चीज खोल खोल बताएंगे। ठीक है जी। भैंस का दूध चाहे बच्चे से काट दो चाहे बेबच्चे काट दो, जिस दिन बे उस दिन की बात है। ठीक है। ठीक है। 28 दिन पे नहीं हो जाएगी गारंटी है, चैलेंज भर के दूंगा पर नोट भर के। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब। और नंबर दूसरी बात है, भैंस 4 घंटे में जेर नहीं डाले तो भी उस बात का जवाबदार। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल जी। और भैंस एक बार भी रिपीट हो जाए तो भी उस बात का जवाबदार। अच्छा जी ठीक है। भाई लेगा ना, सबसे पहले इंक्वायरी करके दूंगा गाँव में, इसलिए। ठीक है जी। ठीक है। 21-22 किलो काटे का कार्ड रखे जमींदार के, 21-22 किलो। हाँ जी, गारंटी भर के दूंगा। ठीक है। ऐसा तो है नहीं ले जाकर भैंस को बांध देंगे। हाँ हाँ। अगले ने मेहनत करा के भैंस आज भी दिखा दो। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज भी देही से बिल्कुल तैयार है जी पशुधन। और बात करेंगे जी जो सिंगों की जो क्वालिटी है जी, हल्का सा धुमेला जो सिंग, थोड़ा सिंग एक थोड़ा सा बड़ा पड़ता है भाई, बात है छोटा सिंग होता तो हमें कौन देता, हम कहाँ बेच देते। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, सही बात है। तो एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, व्यक्तित्व है जी पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके आपको दिखाना चाहिए। बहुत शांत साहिल, मैं ये कहता हूँ बज दूध है, भैंस बहुत फोन आते हैं, बहुत अच्छी भैंस है, घर पे उनकी भैंस है। देखो मैं तो मेहनत का है, भैंस को ढंग की सेवा होगी ना 25 किलो दूध से कहीं नहीं मरने की भैंस। अच्छा जी। हाँ जी, गारंटी है। ठीक है। अपने गांव में इसलिए रखिए, हर साल देखता हूँ। अरे एक बात और भाई, भैंस सिमन को नहीं मांगे, डायरेक्टर क्रॉसिंग को मानती है। ठीक है जी। तो देखिए जी, जो बात है वो सुस्पष्ट क्लियर कर दी है, क्योंकि गाँव में से परचेज की है, देखी बाली हुई है जी, कद काठी काफी जबरदस्त, काफी बारम बरकम जो शरीर है वो हमें जो भैंस का जो देखने को मिला जी, और जो हड्डियां हैं जी शरीर की आप देख सकते हैं बिल्कुल चमकती हुई। और बात करेंगे जी जो टैल है, लगभग कुछ ही बाल जो टैल में व्हाइट है जी, बाकी
आपकी जो टैल है पूरी की पूरी ब्लैक, अडर काफ़ी ज़बरदस्त। और बात करेंगे जी, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पशुधन का साइज़ का पता लगेगा कि पशुधन का क्या कुछ साइज है, क्वालिटी आप देख सकते हैं। और लगभग 21-22 किलो जो दूध है आम किसान के घर पे इसने निकाला हुआ है। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में 7वें में गैबिन है वो लगी हुई है इस 5 तारीख से। हाँ 5 तारीख 7वें लग गई, ठीक है। साल भैंस अब भी दूध दे रही है। हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है। क्यों बच्चे ब्याह वैसे 28 दिन पर नहीं हो जाती है भैंस? बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी आप इसके अडर को भी देख के खुद से भी कंपेरिजन कर सकते हैं जी। देखिए ऐसे ऐसे दूध की जो भैंसों की जो डिमांड है, जो स्पेशली कहते हैं कि ब्रीडिंग के लायक हमें जो पशुधन है वो चाहिए, तो ऐसी ऐसी भैंसों से हम जो कि ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। और बात करें जी जो स्पेशली जो दूध का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी आज मैं बताना चाहूँगा काफ़ी जो कि अच्छा जो पशुधन है। भाई साहब खूब कटिया भेजते हैं, हाँ मेरे को बेईमान होता तो कटिया ले कर इसकी बना के बेच देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज भेज देते खड़ी मुँह मांगे पैसा। सही बात, इसकी कटिया ले रखी है। हाँ हाँ ले रखी है, धनी ने दी नहीं, उसके एक ही भैंस है। अच्छा जिस दिन तारूंगा ना धनी घर की वीडियो बनवा दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है। तो देखिए जी जो सुस्पष्ट जो क्लियर जो बातें हैं वो हमें हर पशुधन में देखने को मिलती है। बाकी साइज क्वालिटी पशुधन काफी अच्छा है। तो भाई डॉक्टर मोनू रेट क्या कुछ रखा है? साहिल रेट करूंगा ऐसे, पहली बात तो ये मेरे पास कोई छूट नहीं है, कोई फिरौती नहीं है, ठीक है। कोई भी भाई ऑनलाइन भैंस मंगवाए अपना रेवाड़ी सर्च मार लेना। हाँ जी, रेवाड़ी से मेरा घर 30 किलोमीटर, महेंद्रगढ़ से 50 किलोमीटर और जींद से 150 किलोमीटर, ठीक है। हिसार से 150 किलोमीटर, ठीक है। कोई भी भाई पहले लोकेशन चेक करके मेरे पास फोन करे, बिल्कुल कितना किराया लगेगा अपना किराया चेक कर लेगा, ठीक है। 16 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आती है, 16 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आती है। हाँ जी ठीक है। तो अभी रेट क्या कुछ रख रहे? रेट इसका एक दाम 1,05,000 रुपए की देनी है। 1,05,000 रुपए की देनी है। इससे मंदी भैंस कोई मिल जाए तो मेरे पास भाई परेशान नहीं करे, ठीक है। जो बात थी वो सारी बता दी, कोई भाई इंक्वायरी करके लेगा भैंस की इंक्वायरी करवा दूं, गांव में से ले रखी है। बिल्कुल जी। तो देखिए जी मैं बताना चाहूंगा ऐसे ऐसे पशुधन को कहते हैं कि पैसा वसूल जो पशुधन होते हैं जी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अडर की क्वालिटी काफी जबरदस्त, मौके पे 8 किलो साइल जिस दिन भैंस भी आएगी ना, भैंस शुद्ध भी आएगी, कम ले उठे रखेगी, बैठती के साथ है ना, एक बिलान बाहर को मारती है। अच्छा जी, बैठती के साथ खुरिया दिखा देगी ना, जब ओंडी में बनाएगी और जब ही थनों में धार तारेगी, इससे पहले कुछ नहीं करेगी भैंस। अच्छा, इस चीज की गारंटी है। देखिए जी, देखिए फूल भी दिखा देना, एक दिन भी फूल दिखा दे, चराज समेत पैसे ले जाए, मेरे चढ़ा के भेज देना, ठीक है जी। तो देखिए जी जो बातें हैं वो सुस्पष्ट क्लियर है, वो कर दिए भाई साहब ने, जो डिटेल्स हैं काफी अच्छी। एक जितने माल लेके बना रखी है अच्छी बना रखी है। बिल्कुल जी बिल्कुल भाई। अरे ये कहते हैं पीठ, आप पीठ दिखा दो पीछे, बिल्कुल दिखा दो पीठ, आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी जोड़ी पीठ का पशुधन, बिल्कुल बारीक जो चामी और अडर है जी, काफी जबरदस्त हमें जो देखने को मिला ड्राई होने के, सॉरी बाखड़ी होने के बावजूद। और अभी 8 किलो जो दूध है अभी मौके पे है, ठीक है। ड्राई हो जाओ, 7 में क्या बन लग रही है, 8वीं में लग जाएगी। बिल्कुल, दूध की भैंस ओरिजिनल है, धनी के घर से 2 महीने 10 दिन ड्राई होती थी। बिल्कुल जी, आपने पता नहीं भाई दे या ना दे, बिल्कुल घर की भैंस। देखिए जी मेरे हिसाब से अपना तो मानना ये है कि कम से कम पशुधन को 3 महीने तो चाहिए चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल जी, तो 3 महीने तो चाहिए भी। बाकी देखिए जी दूध वाली भैंस दूध देगी भी, क्योंकि जिस हिसाब का पशुधन स्वभाव का है जी, काफी अच्छा देखने को मिला। एक बार बांध लो भाई सब, जो दूसरा साइल 11 तारीख है, 7:30-7:15 का टाइम हुआ है, बिल्कुल ठीक है। भैंस का दूध कड़े नहीं है, दिखानी थी। अच्छा, चुवाई करेंगे ये, कोई भाई सोचता हूँ दूध मैंने बिल्कुल नहीं काट रखा, अब भैंस की चुवाई करेंगे। ये देखिए जी, हाँ जी, असली सच्चाई की जो बातें हैं अपने पास, भाई भी आ रहे हैं, अपने धोखाधड़ी नहीं है भाई, कोई भाई सोचे भैंस का दूध रोका तो मैं भैंस की चुवाई करूंगा भी, टिक्का मारे करूँ, क्यों भैंस गैप बने दूध की, भैंस गर्मी बना जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई भी भाई ले अपने मेरे खुट्टे पे चेक करा के लेगा, देखो हम लेते हैं धनु संतुष्टि पे, ये मैं चेक करनी बंद कर दी भाई, मैं चेक करूँ अगला करे 2-3 भैंसों ने हाथ डाल दिया। अच्छा, आप लेते हैं विश्वास पे, खाली होगी तो मेरी होगी, भरी होगी आप बना के लेगी होगी। बिल्कुल जी, यहाँ पर चेक करा लो, 2 महीना पीछे का ब्याह ही नहीं, उस बात का मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये देखिए जी जो सुस्पष्ट जो क्लियर है वो कर दिया जी, बाकी जांच से और परख के पशुधन को ले। साहिल फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइमर जोटी है, ठीक है ठीक है। जोटी को दिखा दो पहले पूरी आराम से, बिल्कुल जी ठीक है। सेकंड टाइम में काविंग करेगी, ठीक है जी। सेकंड टाइम जज्जर जिले से आ रही है, सुरेती गांव से, ठीक है जी ठीक है। हाँ, और 7वें में क्या बिन लगी, अभी 7 तारीख से, 7वें में क्या बिन लगी 7 तारीख से। हाँ जी ठीक है जी। दूध से ड्राई है, दूध से कोई भी भाई आएगा थन पास करा के दूंगा, आंगली से मोटी धार हो तो ले जाने, मेरे को छोड़ देना। ये देखिए जी दूसरी साइड में डॉक्टर मोनू
खड़े हुए हैं। देख लो साइज, आप मेरी हाइट से पता लगा लो कितनी हाइट है। बिल्कुल जी देख लो, आप साइज काफी जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल जो छोटे सींग है ओरिजिनल नेचुरल जो सींग होते हैं। और साहिल कई भाई नु कहते हैं भैंसों की मिल लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, सिर्फ नाक के तेल लगा रखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है, भगवान ने रंग रूप दे रखा। पीठ आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंगल हड्डी का पशुधन। नीचे से जो खाल है अडर की वो आपको एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं नीचे की जो गुलजटे हैं वो आप देख सकते हैं। तो क्या कुछ दूध दिया हुआ भाई साहब? खार के दे रखा 16.5 किलो दूध। 16.5 किलो दूध, हाँ जी ठीक है। धनी ने शनागत पे ले रखी है, विश्वास पे ज्योति ले रखी है, ठीक है। दोज पोसाओ की अपनी गारंटी है, ठीक है। आगे अगले किस्मत है, छर्रा पपैया डोकल हो या बन में झूठ हो, उस बात का मैं जिम्मेवार हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक बार बाहर ले चलो इसको भी खोल के देखिए जी। क्वालिटी की बात करें जी तो मेरे हिसाब से भाई कोई इससे ऊंची भैंस मेरे पास मांगे ना तो हाथ जोड़ के परेशान ना करे, मेरे पास इससे ऊंची भैंस नहीं आई। बिल्कुल जी, फुल हाइट लेंथ का पशुधन है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, खड़े होने का रुतबा आप इसका देख सकते हैं। और बात करेंगे जी जो नेचुरल जो सींग है जी, अगर इसी सींग को और अडर भी काफी अच्छा रखता ही होगी क्योंकि 16 किलो जो दूध है वो निकाला हुआ है। रखेगी और ये अच्छा रखती है। काफी नीचे जो अडर के जो गुलजटे हैं वो हमें जो देखने को मिली है और साइज क्वालिटी ये आप देख सकते हैं जी। ये देख सकते हैं फुल हाइट लेंथ का पशुधन। और 7 तारीख से जो कि 7वें में गैबिन है वो लगी हुई है जी। सिंगों की जो क्वालिटी बिल्कुल जो छोटा सींग है वो हमें देखने को मिला और पीठ बॉडी कलर काफ़ी ज़बरदस्त है वो देखने को मिला है। तो भाई साहब रेट वगैरह इसका क्या कुछ रखा है? रेट भी बताएंगे साहिल। देखो कोई भी भाई ये कहे भाई हमारे रोक देना, मैं नहीं रोकूंगा। इस भाई ने साइज लगा दी, टोकन में लगा दी, भैंस जाएगी उसके, ठीक है। क्यों ऐसा कई बार होता है, आते नहीं बच्चों कसम खा जाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा काम है साफ सुथरा कहना, किसी भाई को बात चुभे तो बेशक टाल कर देना, मैं उसको भैंस दूंगा। तो मेरे 5000 पे साइज तो लगाएगा तो मैं दूंगा, 1000-2000 पे जो साइज डालता है मैं उसको नहीं दूंगा। के घर आके सौदा कर लिया, 2000 पे साइज देके फिर 6 भैंसों रुकवा गए। अच्छा जी, कहाँ जाएंगे भाई वो बंदा? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। 500 फोन आते हैं दिन में, बिल्कुल एक आदमी को ऊपर परेशान होनी पड़ती है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। और कोई भाई ऑनलाइन मंगवाएगा उस चीज की गारंटी है, या तो मेरे घर पे आके कैश पेमेंट देके जाओ या फिर हमारे खाते में करो। ये बंदा कहते गाड़ी का आधे देंगे, मैं नहीं भेजूंगा भाई कती भी, ठीक है जी ठीक है जी। इसका रेट है 1,07,000 रुपए। 1,07,000 रुपए ठीक है, 1,07,000 रुपए कॉस्ट रखी है जी। काफी अच्छी क्वालिटी का पशुधन है। 7 तारीख 7वें में गैबिन लगी हुई है, मौके पे ड्राई है, बाकी थन चेक करवा सकती है। 7वें बच्चा वगैरह कुछ भी नहीं है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी पे जितना भी बोले जी भाई, हम भी पेमेंट भर के ले आते हैं, हमें बेकार पशु क्यों लाएंगे? बिल्कुल, अपना नाम थोड़ी बेकार करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और पशु तो इतने महंगे हो गए, आने वाले टाइम में गरीब आदमी पशु नहीं रखेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, पाड़ी भी नहीं पाल सकता, 50,000 पाड़ी बिक रही है इसी भैंसों की। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो ये देखिए जी खड़े होने का जो रुतबा है, मेरे हिसाब से 5-6-7 लाख वाली भैंस को भी इतना रुतबा ना मिले देखने को। बाकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और जिया डेयरी फार्म मैं बताना चाहूंगा जी, शुरुआत से जो की क्वालिटी के ऊपर काम करता रहा है। सबसे टॉप रही ये देख सकते हैं जी, मीनी जो भैंस है जी भाई की, काफी जबरदस्त काफी अच्छी दूध लाइन की थी। और भाई मैं बताना चाहूंगा, जब भाई साहब ये अपने डेयरी फार्म पर लेके आए थे तो भाई के पास एक बहुत ही खुशी का एक जो की माहौल था, क्योंकि भाई के पास जो एक काम भाई का जो अटका हुआ था वो एक काम है और देखा सारे बताना चाहूंगा जी। ये देख सकते हैं जी, एक से एक जबरदस्त जो पशुधन है, आज से नहीं लगभग काफी सालों से जो कि काम है वो करते आ रहे हैं जिया डेयरी फार्म पे। आपको बाखड़ी भैंसें या फिर मुर्रा ही वो काफी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे जो पशुधन भाई की जो होम ब्रिड है वो भी आपको एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे जी। देखिए भले ब्यूटी कम हो लेकिन दूध की नदियां बहाने वाला जो पशुधन है अपनी गौ है जी भाई के पास। बिल्कुल जी, 5 साल हो गए ब्याते नहीं, आप पहले आए थे। हाँ जी, सेवा करते हैं, आज भी गाय आए, शेको भी भाई आके कहता ना गाय ब्याएगी, खाली नहीं है, सेवा करते हैं। आपने जो कुछ दिया इस बुढ़ी भैंस ने, इस गौ ने करा है। अच्छा जी, हाँ जी, इनका आशीर्वाद है, ठीक है। अपनी सेवा करते नहीं, हम इसको देंगे नहीं छोड़ देंगे, ठीक है जी, ठीक है। अपने जो कुछ करा है गौ माई ने और अपनी बुढ़ी भैंस की, 12वीं बार काविंग करेगी। बारहवीं बार काविंग करेगी जी,
और आठवें में क्या बन लग जाएगी, दूध दे रही है 10 किलो एक टाइम, 10 किलो दूध एक टाइम पे एक टाइम दे रही है। ठीक है, इसका कटड़ा है, हाँ जी M29 का कटड़ा है। अच्छा, उसको अभी सेल करने को विचार नहीं है। ठीक है, आगे देंगे। ठीक है जी जी। और इसकी जो ये इसकी कटिया है मीनी जी, मीनी ठीक है, दो दांत है। ठीक है, आठवें में क्या बिन लग गई, आठवें में क्या बिन लग गई। और नीचे से आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी बनी हुई है गद्दी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा जब ब्याएगी तो अलग से इसकी वीडियो आपको जरूर कवर करके दिखाना चाहिए। पीठ बॉडी का पशुधन है, हाइट लेंथ का पशु भाई, इन पशुओं खातर बुड्ढी भैंस और इस कटिया खातर कोई भाई परेशान ना करे, नॉट है, बेचनी नहीं है ये। ठीक है जी, ठीक है। तो देखिए जी, ये भाई की होम ब्रीड है, ये भाई साहब ने सेल नहीं करनी है अभी से। कटड़ा है जिससे जी, बारहवीं बार कविंग करने के बाद भाई साहब आज भी इतना दूध देती है। बच्चे तैयार करने का शौक नहीं है, ठीक है, अपने देसी खाने में रखते हैं, क्यों हमें इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम तो अपने कटड़े को ऐसे ही सेल कर देते हैं। ठीक है, हाँ पारा नहीं ले जाते कोई बग्गी बुग्गी वाले, यूपी भाई कई पिछले दो कटड़े भैंस के भाई ले गए थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए जी, पशुधन बाकी जो आज वीडियो में दिखाया है ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई भी पशुपालक भाई किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर मोनू के जो कि स्क्रीन पे नंबर, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गांव अहमदपुर पड़तल, जिला लगता है जी रेवाड़ी, जिया डेयरी फार्म से। तो वीडियो को यहीं विराम देना चाहेंगे जी, फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।